हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीरियल ससुराल सिमर का 2 में अब एक नया मोड़ आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, रीमा विवान की शादी हो चुकी है। रीमा बहू बनकर ओसवाल परिवार में आ चुकी है और अब बारी आ गई है रीमा की पहली रसोई की। रसोई की पहली रस्म करने के लिए किचन में जाती है, चूल्हा पूजन की तैयारी हो रही होती है। इस बीच रीमा को सबके लिए पहली बार किचन में जाकर खाना बनाना होता है। ऐसे में सिमर जाती है अपनी बड़ी दीदी रीमा के पास और पूछती है, दीदी आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो ऐसे में तेवर दिखाती है उसे रीमा। यही नहीं, रीमा सिमर को खरी खोटी सुनाती है और बोलती है कि तू सिर्फ इस घर में एक मेहमान है, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा चूल्हा पूजन है, मैं खुद हर काम अच्छे से कर लूँगी, तुझे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पासा पलटते देर नहीं लगती है, जैसे ही रीमा किचन में खाना बनाने लगती है वैसे ही उससे ढेर सारी गलतियां होनी शुरू हो जाती है। वो ढंग से खाना नहीं बना पाती है, जिसकी वजह से वो सिमर से रिक्वेस्ट करती है, उससे भीख मांगती है कि बहन प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। तो ऐसे में सिमर उसे दो टुक जवाब देकर बोलती बंद कर देती है। सिमर कहती है, दीदी मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेहमान हूँ, आप इस घर की बहू हो और किचन के सारे डिसीजन बहू लेती है, तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब इससे साफ हो गया है कि सिमर भी रीमा की हरकतों से वाकिफ हो चुकी है और वो जान चुकी है कि किस तरह से उसे सबक सिखाना चाहिए। बहरहाल आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही।